गुड न्यूज फेम डायरेक्टर की फिल्म में मनीष पॉल की एंट्री, वरुण कियारा संग करेंगे काम। एक्टर और होस्ट मनीष पॉल बड़े पर्दे से काफी समय से दूर चल रहे हैं। मिकी वायरस और तेरे बिन लादेन जैसी फिल्में कर लोकप्रियता हासिल करने वाले मनीष अभी टीवी शोज की होस्टिंग में बिजी चल रहे हैं। अब खबर आ रही है कि मनीष पॉल एक्टर वरुण धवन की फिल्म में अहम रोल निभाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण धवन गुड न्यूज फेम डायरेक्टर राज मेहता संग फिल्म कर रहे हैं। उस फिल्म में कियारा आडवाणी को वरुण के अपोजिट कास्ट किया गया है। अब उसी फिल्म में मनीष पॉल की भी एंट्री हो गई है। खबरों के मुताबिक फिल्म में मनीष का किरदार कहानी के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक फैमिली ड्रामा होने वाली है। फिल्म में वरुण कियारा के अलावा अनिल कपूर और नीतू कपूर भी कास्ट का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में मनीष के पेरेंट्स का रोल अनिल और नीतू निभाने वाले हैं। मनीष पॉल की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ में होने वाली है। मेकर्स इसी महीने के अंत में फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। फिल्म का टाइटल अभी डिसाइड नहीं किया गया है। मनीष की बात करें तो वे हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामापा होस्ट कर रहे थे। उस शो में उनकी होस्टिंग को काफी पसंद किया गया था। लॉकडाउन के बाद वो उनका पहला शो था। वैसे लॉकडाउन के दौरान मनीष पॉल ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। वे सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। एक्टर की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख सभी इम्प्रेस रह गए हैं।